इंस्टाग्राम पर आपने काफी साल बर्बाद कर दिया, फिर काफी वीडियो अपलोड कर दी, लेकिन आप इंस्टाग्राम पर ग्रो नहीं कर पाते हो, फिर आपकी रील्स वायरल नहीं होती, फिर आपके फॉलोअर नहीं बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे का एक रीजन हो सकता है कि आपको इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो अपलोड करने का सही तरीका नहीं पता है, या फिर आप इंस्टाग्राम पर कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक कर रहे हो, ऐसी गलती कर रहे हो जिसकी वजह से इंस्टाग्राम आपकी रील्स वीडियो को पुश नहीं कर रहा है, या फिर इंस्टाग्राम आपकी रील्स वीडियो को लोगों तक नहीं पहुंचा रहा है, या फिर आपकी रील्स को वायरल नहीं कर रहा है। अब वो गलतियां क्या है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं। साथ ही यहां पर मैं आपको कुछ अकाउंट दिखाता हूं जो मैंने खुद के एक्सपीरियंस पर ग्रो किए हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पर मैं इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूं। आप यहां पर देखिए, यहां पर मेरे अकाउंट को देख सकते हो, आप मेरे अकाउंट पर यहां पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर है, एंड यहां पर आप पोस्ट देख सकते हो, एंड यहां पर यही अकाउंट नहीं है, काफी सारे अकाउंट है, ठीक है। यहां पर मैंने काफी सब्सक्राइबर के भी अकाउंट को ग्रो किया है, आपको यहां पर मैं दिखाता हूं। यहां पर ये अकाउंट है, इस अकाउंट पर अभी सिर्फ और सिर्फ 427 फॉलोअर है, एंड यहां पर आप व्यू चेक कर सकते हो, यहां पर कितने ज्यादा व्यूज आते हैं, ठीक है। सभी वीडियो वायरल होती है इस अकाउंट पर, ठीक है। एंड यहां पर ऐसा नहीं कि यहां पर फेक व्यूज डाले जा रहे हैं, फिर यहां पर फेक मतलब लाइक डाली जा रही है, आप यहां पर कोई भी वीडियो प्ले करके देख सकते हो यहां पर लाइक कितनी आती है, यानी कि भाई रियल व्यूज आते हैं, ठीक है। अब आप में से काफी सारे बंदे ऐसा बोलेंगे भाई इस अकाउंट पर वीडियो अपलोड करके मत दिखाना, क्योंकि इस पर ऑलरेडी वायरल हो रही है। साथ ही यहां पर मैं आपको ना तो इस अकाउंट पर दिखाऊंगा ना ही उस अकाउंट पर दिखाऊंगा, मैं आज आपको एक ऐसे डेड अकाउंट पर वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगा जो कि फ्रीज हो चुका है, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो कि उस पर वीडियो वायरल नहीं होती, ठीक है। वो अकाउंट यहां पर मैं सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूं, यहां पर मैं सेकंड इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूं, ठीक है। सारी चीजें मैं आपको वीडियो में सिंपल तरीके से समझाऊंगा आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है, फिर कैसे वीडियो को अपलोड करना है। आप यहां पर देखिए इस अकाउंट पर सिर्फ और सिर्फ 18 पोस्ट है, यहां पर आप व्यू चेक कर सकते हो। यहां पर मैंने अभी इस अकाउंट पर वीडियो अपलोड करके दिखाया था, एंड इस पर 15,000 से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं, एंड जब तक आप चेक करोगे ये भी वीडियो वायरल हो चुकी होगी, ठीक है। यहां पर मैं आपको जो भी दिखाता हूं प्रूफ के साथ दिखाता हूं कैसे वीडियो को वायरल करना होता है, ठीक है। अगर आप भी मेरे वीडियो देखोगे, मैंने जो ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं उन वीडियो को देखकर आप अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हो, बट इस वीडियो में मैं आपको काफी कुछ चीजें सिखाने वाला हूं। तो गाइस सबसे पहले चीज है कि आपका अकाउंट प्रोफेशनल होना चाहिए, आपके अकाउंट पर तभी रील्स वीडियो वायरल होती है। साथ ही यहां पर आपको अपनी कैटेगरी सेट कर लेनी है, कैटेगरी कैसे सेट करनी है मैंने इसको लेकर ऑलरेडी बना रखा है, फिर आपने ऑलरेडी कैटेगरी को सेट कर रखा होगा, अगर नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। साथ ही यहां पर कुछ और सेटिंग होती है, वो सेटिंग क्या है वो सब चीजें मैं आपको आगे बता दूंगा, बट उससे पहले यहां पर मैं आपको वीडियो अपलोड करने का सही तरीका बताता हूं। साथ ही यहां पर मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक बताता हूं जो कि आपको नहीं करनी है, अगर आप उन मिस्टेक को नहीं करोगे, फिर आप उन गलतियों को नहीं करोगे, तो आप 100% अपनी रील्स वीडियो को वायरल कर लोगे, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले यहां पर आपको करना है क्या भाई, आपको अपनी रील्स वीडियो को शूट कर लेना है या फिर एडिट कर लेना है, जिस भी तरह की आप वीडियो बनाते हो। तो गाइस रील्स वीडियो अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपको सिंपली प्लस आइकन पे क्लिक करना है, एंड जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे उसके बाद यहां पर आपके सामने आपकी वीडियो आ जाएगी जो भी आपने शूट या फिर एडिट कर रखी होगी। फॉर एग्जांपल यहां पर हमने इस वीडियो को शूट एंड एडिट कर रखा है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। आप यहां पर देखिए मैंने वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है, गाइस इसके बाद आपको करना है क्या भाई, आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब काफी सारे बंदे यहां पर मिस्टेक ये कर देंगे कि डायरेक्टली यहां पर कोई भी इमोजी ऐड कर देंगे, इस तरह से मतलब कुछ भी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से उनकी रील्स वायरल नहीं होती, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले यहां पर आपको कैप्शन लिखना होता है, यानी कि आपको इंस्टाग्राम को बताना होता है, साथ ही जो आपके व्यूअर्स होते हैं उनको आपको बताना होता है कि आखिर आपकी वीडियो किस टॉपिक पर है, या फिर आपने अपनी वीडियो में क्या बताया, फिर यहां पर आपको कुछ भी ऐसा लिखना होता है जिससे लोग आपकी वीडियो पर रुक जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने इस वीडियो के कैप्शन में लिख दिया है वेट फॉर एंड, यानी कि यहां पर मैंने इस वीडियो में लोगों को एंड तक रोकने पर मजबूर कर दिया, ठीक है, यानी कि लोग इसको पूरा देखेंगे। अब यहां पर आपको करना क्या है, इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है, डॉट लगानी है, नीचे की तरफ आना है, डॉट लगानी है, नीचे की तरफ आना है, डॉट लगानी, इस तरह से यहां पर आपको 5 से 6 डॉट लगा देने, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर आपको हैशटैग लगाने होते हैं, काफी सारे बंदे यहां पर कुछ भी ऊट पटांग हैशटैग लगा देते हैं जिसकी वजह से उनकी रील्स वायरल नहीं होती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहां पर आपको गलत हैशटैग बिल्कुल भी नहीं लगाने, आपको यहां पर जो भी हैशटैग लगाने हैं आपको यहां पर अपनी वीडियो के रिलेटेड ही लगाने, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में 4 हैशटैग लगाए हैं जो कि इस वीडियो के रिलेटेड है, सेकंड में यहां पर आपको एक्सप्लोर पेज, ट्रेंडिंग रील्स, रील्स वायरल, ये हैशटैग लगा देने, ठीक है। एंड इतना काम करने के बाद यहां पर आपको नीचे की तरफ आना है, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टैग पीपल का, ठीक है। अब ये मतलब बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी रील्स को वायरल करने में, तो आपको करना क्या भाई, आपको सिंपली टैग पीपल पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको टैग पे क्लिक करना है, जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे उसके बाद यहां पर आपको 3 से 4 ऐसे बंदों को टैग करना है जो आपके जैसा वीडियो बनाते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको सिंपली उनके प्रोफाइल पे जाना है जो आपके जैसा वीडियो बनाते हैं, यानी कि जो फनी वीडियो बनाते हैं। अगर आप सैड वीडियो बनाते हो तो यहां पर आपको सैड वीडियो वालों को ही टैग करना है, अगर आप फनी बनाते हो आपको फनी वालों को ही टैग करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने ऑलरेडी 3 स्क्रीनशॉट यहां पर लेकर रखे हैं जो फनी वीडियो बनाते हैं, ठीक है। आपको सिंपल यहां पर गूगल पे आना है, यहां पर आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड जो भी स्क्रीनशॉट आपने लिए होंगे उस पर क्लिक करना है। तो यहां पर मैं सबसे पहले इनका यूजर नेम कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। यहां से आप कॉपी कर सकते हो, मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद यहां पर आपको वापस जाना इंस्टाग्राम पर, एंड यहां पर आपको उसको यहां पर पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट कर दोगे अब यहां पर आपको उसकी आईडी मिल जाएगी, आपको सिंपल इसको टैग कर देना है। ऐसे करके यहां पर आपको सेकंड स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करना है, मैं इसको बैक करता हूं, यहां पर मैं दोबारा से यहां पर सेकंड स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करता हूं, एंड यहां पर मैं तिजारा बाइन को यहां पर कॉपी कर लेता हूं, मैंने कॉपी कर लिया। दोबारा से इंस्टाग्राम पर आएंगे, टैग पर क्लिक करेंगे, एंड यहां पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हमने इसको यहां पर पेस्ट कर दिया, या गई इनकी आईडी, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहां पर हम दोबारा से गूगल पर जाएंगे, गूगल पर जाने के बाद यहां पर हम थर्ड वाले स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करेंगे, एंड यहां पर हम इसको भी यहां पर कॉपी कर लेते हैं क्योंकि यहां पर ये भी कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, ठीक है। हमने इनको भी कॉपी कर लिया, इनका भी यूजर नेम कॉपी कर लिया। इसके बाद यहां पर हम वापस आएंगे इंस्टाग्राम पर, एड टैग पे क्लिक करेंगे, एंड यहां पर हम उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हमने पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद यहां पर आपको सबसे ऊपर की तरफ टॉप में वो आईडी मिल जाएगी, उसको सिलेक्ट कर लेना है, राइट हैंड साइड पे क्लिक कर देना है। इतना काम करने के बाद अब यहां पर आपने 3 से 4 बंदों को तो टैग कर दिया, ठीक है। आपको ज्यादा को भी नहीं करना है, काफी सारे बंदे आप में से हैं जो 10 से 20 बंदों को टैग कर देते हैं, उनको लगता है कि जितने ज्यादा बंदों को टैग करेंगे उतने ज्यादा चांस है वायरल होने के, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। यहां पर आपको ज्यादा बंदों को भी टैग नहीं करना है, आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 बंदों को ही टैग कर देना है। जैसे आप ये कर दोगे उसके बाद गाइस यहां पर आपको नीचे की तरफ
करना है, यहाँ पर आपको ऑडियंस का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको एड टॉपिक का ऑप्शन मिल जाएगा। एड टॉपिक का यूज अभी आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि काफी सारे बंदे ऐसा बोल रहे थे कि भाई एड टॉपिक का यूज करने से हमारी रील्स वायरल नहीं हो रही है, या फिर काफी बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको एड टॉपिक का यूज नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि एड टॉपिक का यूज करने से आपकी रील्स वायरल हो रही है तो करो, अदरवाइज मत करो, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको करना क्या भाई, आपको सिंपली नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एड लोकेशन का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद यहाँ पर आप जिस भी सिटी में रहते हो या फिर आप जहाँ भी चाहते हो कि यहाँ पर इस सिटी में यहाँ पर हमारी वीडियो चल जाए, ठीक है, उसी को यहाँ पर आपको सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, तो यहाँ पर मैं मुजफ्फरनगर की लोकेशन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे सर्च किया यहाँ पर मुजफ्फरनगर आ गया, तो यहाँ पर मैं मुजफ्फरनगर सेलेक्ट कर लूँगा, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है। जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे, अब यहाँ पर आपके आईडी में एक ऑप्शन होता है रिकमेंड ऑन फेसबुक, ठीक है, अगर आपको वो शो कर रहा है तो यहाँ पर आपको उसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है। अगर आपके लाइक कम आते हैं या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर हमारे 150 के लाइक आते हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसे में लाइक को ऐड कर देना है, क्योंकि काफी सारे बंदे जो है ना आपकी वीडियो के लाइक को देखकर आपकी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, फिर ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देते हैं, ठीक है। एंड ऐसे में जब आप लाइक को ऐड कर दोगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि आपकी वीडियो पर कितने लाइक है, एंड वो आपकी वीडियो को पूरा देखेंगे, जिससे आपकी रील्स वीडियो वायरल होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो भाई आपको लाइक को ऐड कर देना है। एंड यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है। जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको चेक लेना है अपलोड एट ए हाईएस्ट क्वालिटी, ये आपका ऑन है या नहीं, ठीक है। अगर ये आपका ऑन नहीं होगा तो आपकी वीडियो हाई क्वालिटी में अपलोड नहीं होगी, एंड ऐसे में इंस्टाग्राम आपकी रील्स वीडियो को बूस्ट नहीं करेगा, फिर आपकी रील्स वीडियो को वायरल नहीं करेगा। तो आपको इसको ऑन कर लेना है, एंड इतना काम करने के बाद आपको इसको बैक करना है। जैसे आप इसको बैक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको कवर सेट कर लेना है कोई अच्छा सा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये वाला कवर सेट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद आपको डन कर देना है। जैसे आप डन कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको चेक लेना है कि आपने सब कुछ अच्छी तरह से कर दिया है या नहीं, ठीक है। एंड इतना काम करने के बाद आपको सिंपली सिर बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सिर बटन पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपकी रील्स वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर काफी सारे बंदे तुरंत बैक कर देते हैं, आपको बिल्कुल भी बैक नहीं करना है, आपको यहाँ पर वेट करना है कुछ सेकंड का, जब तक आपकी वीडियो अपलोड हो जाती है। साथ ही यहाँ पर आपकी वीडियो अपलोड हो जाने के बाद भी यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम पर कुछ सेकंड तो रुकना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी यहाँ पर हमारी 19 पोस्ट हो चुकी है, यानी कि ये रील्स वीडियो अभी यहाँ पर हमारी अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो भाई जब आपकी वीडियो तो अपलोड हो गई, आपको करना क्या भाई, आपको मतलब अपने ही फोन में सेकंड अकाउंट को स्विच कर लेना है, फिर आप अपने दोस्त का फोन ले सकते हो। आपको करना क्या भाई, अपने दोस्त के फोन से इस वीडियो को 30-40 बंदों को शेयर कर देना है, ठीक है। शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपकी वीडियो को थोड़ा बहुत बूस्ट मिल जाएगा, एंड आपकी रील्स वीडियो के वायरल होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो भाई जैसा कि आप प्रूफ के साथ देख सकते हो, यहाँ पर हमारी रील्स वीडियो वायरल हो चुकी है। यहाँ पर मैं जैसे जैसे रिफ्रेश करता जा रहा हूँ, यहाँ पर जो है ना लाइक आते जा रहे हैं, साथ ही यहाँ पर व्यूज बढ़ते जा रहे हैं। तो भाई इस तरह से आप अपने रील्स वीडियो को वायरल कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर मैंने इस वीडियो में आपको जो बताया, अगर आप वो मिस्टेक करनी बंद कर दोगे, अगर आप वो गलती करनी बंद कर दोगे, तो यहाँ पर आपकी भी रील्स वीडियो 100% वायरल होगी, साथ ही आप भी इंस्टाग्राम पर ग्रो कर पाओगे। आई होप आपको सब क्वेश्चन में आ गया हो भाई, कैसे आपको रील्स वीडियो अपलोड करना है। रील्स वीडियो अपलोड करने के बाद आपको ऐसा क्या करना था, जैसे आपकी रील्स वायरल हो जाए आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है, सारी चीजें मैंने आपको वीडियो में सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर आपका अब भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बताएं, मैं इस चैनल पर आपको सब चीजें फ्री में सिखाता हूं, जो लोग आपको कोर्स बेचकर उसमें बताते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।